मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। देखिए सेट फोर है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थी है। कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। तो डिस्टेंस वीडियो में अंत बन रहेगा, जितने भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर यहाँ से आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो टीजीएस चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए एक काम आप लोग याद रखिएगा कि अपनी स्टडी अभी जारी रखिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है और अचानक पेपर से का आपका टाइम टेबल मिल जाएगा, अचानक से आपका पेपर भी पड़ जाएगा फरवरी में। और एक कहावत आप लोग सुने हैं ना कि दुआरे पाइल बरात तो समदिन की लगा लगवास, तो ऐसा हाल मत करिए आप सभी लोग। अपना अपनी स्टडी इसी समय जाए इसी तरीके से जारी रखिए और जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए। कम से कम 3 से 4 घंटे, 2 घंटे जब भी मिले रेगुलरली डीजे से चैनल पर भी आप लोग समय दीजिए और आपकी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से हो जाएगी। सेशंस करते हैं स्टार्ट हम लोग। अर्थशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण सेशन। पहला देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला ही प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा एडम स्मिथ। यानी एडम स्मिथ साहब जो थे वो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, कीमत निर्धारण, राष्ट्रीय आय। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु नहीं है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर राष्ट्रीय आय जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे हम लोग यहाँ पर तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिये तीसरा प्रश्न क्या है हम लोग का, सामान्यतः एक अदंतिमान तटस्था वक्र क्या होता है। तो ये देखिए होता है जो मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। क्या होता है मूल बिंदु के प्रति, क्या होता है ये उत्तल होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने पहले ही बताया कि आप लोग को अर्थशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए देखिए महत्वपूर्ण सेशन है, चल ही रहा है ये। और इससे थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा ये सेशन तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। समरूप वस्तु क्रेताओं की अधिक संख्या, कीमत विभेद विक्रेताओं की अधिक संख्या। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण इनमें जो नहीं है वो है कीमत विभेद, ठीक है ये आपका राइट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। देखिए रोजगार के बढ़ने से, उत्पादन के बढ़ने से, निर्यात के बढ़ने से, उपभोग के बढ़ने से, तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान हम लोग किसके बेस पर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा उत्पादन के बढ़ने पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उत्पादन के बढ़ने पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कौन सा है इस प्रश्न का राइट आंसर, प्रश्न संख्या जो आपका दिया गया है यहाँ पर कौन सा प्रश्न, देखिए पांचवे प्रश्न का। तो पांचवे प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, उत्पादन के बढ़ने से। ब्याज दर बढ़ने से क्या होता है, ब्याज दर देखिए जब बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है मुद्रा की मांग घटेगी। भाई जाहिर सी बात है कि जब बड़े पैमाने पर जब ब्याज की बात होती है तो वहां पर मुद्रा क्या होता है तो कम लेंगे। मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में क्या होता है विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है ना। ये भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो ये तो जानते हैं आप सभी लोग कि जब भी आपका 5 के 5, 10 का, 15, 20, 25 जो भी नोट होगा उसमें जब देखेंगे आप लोग तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस नोट पर लिखा रहता है, ठीक है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। प्रभावी मांग का निर्धारक उस बिंदु पर होता है जिस पर क्या होता है ये बराबर होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। तो यहाँ पर देखिए समग्र मांग जो होता है वो समग्र पूर्ति के बराबर होता है, तो इसे प्रभावी मांग की सीमा को हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम का सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा रिलेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक है, विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष निवेश, वस्तुओं का आयात, अंतरण भुगतान। व्यापार संतुलन घटक इनमें से देखिए वस्तुओं का आयात हो गया, ठीक है ना। वस्तुओं का आयात जो होता है वो व्यापार संतुलन के घटक में शामिल किया जाता है, तो 10वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग अब आगे और देखते हैं यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए जब हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला आती है यहाँ पर, इन प्रश्नों को भी देख लीजिए, ये भी किसी और के नहीं बल्कि आप ही के हैं पेपर, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए, सीमांत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, देखिए एमएसपी जिसे कहते हैं हम लोग, उपभोग की औसत प्रवृत्ति एवं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में भेद करना है, मुद्रा के तीन प्रमुख कार्य बताना है, राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख करना है, उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य, मांग का नियम क्या है, या मांग को परिभाषित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 17। 18वां देखिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। सभी के सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और निश्चित तौर पर आप लोगों के एग्जाम में आने वाले प्रश्न है।
जब लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए इन प्रश्नों को भी देख लीजिए आप लोग। तैयती विनिमय दर, बजट रेखा क्या है, वस्तु एवं सेवा कर को समझाइए, निजी एवं सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है। देखिए सब पॉपुलर क्वेश्चन है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करना है। केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। इसके बाद देखिए 24वां आप लोगों का प्रश्न मिल जाएगा। विस्तृत उत्तरी में जब बढ़ते हैं आप लोग यहाँ पर, तो देखिए विस्तृत उत्तरी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और इसे कर लीजिए तैयार, ठीक है। और जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत हो या डाउट है, उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी रख सकते हैं कि हाँ सर इस प्रश्न का जो डिस्कशन है हम लोग के साथ कीजिए, हम लोग को इन प्रश्नों को करने में भी दिक्कत हो रही है, तो मैं निश्चित तौर पर प्रश्नों का जो है आप लोगों के साथ समाधान भी अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। समय बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तेजी से समय आपका निकल रहा है। देखेंगे नवंबर निकल ही गया, दिसंबर निकल जाएगा, तुरंत जनवरी आपका आ जाएगा, फिर देखेंगे पुराना साल बीत गया, तुरंत नया साल आ जाएगा आपका, पर तुरंत एग्जाम चालू हो जाएगा, तो समय बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने देखिए आपको एक कहावत बताया कि दुआरे पाइल बरात तो सम दिन की लग लगवास, तो ऐसा ना हो कि मतलब दुआर बरात आ जाए तो पता चला सम दिन है ही नहीं उस समय, तो ऐसा काम मत कीजिए कि अब एग्जाम आ गया कल तो आज हमको पूरा पीडीएफ चाहिए, आज हमको पूरा पेपर चाहिए, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाता है। और मैं पिछले साल के भी मतलब मैं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता हूँ उस केस में, क्योंकि आप एक दिन पहले जब परेशान हो जाएंगे, एक दिन पूरा पीडीएफ उड़िया हमारा इतना अरेंजमेंट पूरा नहीं रहता है। आप लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से बहुत ज्यादा टीम वर्क में तो हम लोग के सदस्य हैं नहीं, तो कैसे परिश्रम करके आप लोग के लिए कंटेंट बनाया जाता है और आप लोग भी उसमें स्टडी नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए। जो 1.5 से 2 महीने, 3 महीने का समय है, 2 महीने का, तो इसको आप यूज करिए और जबरदस्त तरीके से पढ़िए, क्योंकि यही समय जो होगा आपको लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो कर दीजिए इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब आ रहा है आप सभी लोगों के नियर, जाइए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा।